गया अपना एमपी का। एमपी के सामाजिक न्याय मंत्री की अनोखी सलाह, नारायण सिंह कुशवाहा ने शराब को लेकर ये अनोखी सलाह दी है। नशा मुक्ति के बाद पतियों को घर पर शराब लाने को कहे, पतियों को अपने सामने पत्नियां पीने के लिए कहे, शर्म की वजह से पति शराब छोड़ देंगे, ये कहना है नारायण सिंह कुशवाहा का। ये बयान हम आपको सुनवाएंगे। सबसे बड़ा इसमें योगदान है घर की माता और बहनों का। माता बहनें चाहे कि मेरा पति दारू ना पिए, पहले तो उसे इस तरीके से बताएं कि आप बाजार में कहीं ना पियो, आप तो ले आओ वो खाना खाओ मेरे सामने, सामने पिएंगे उनकी लिमिट कम होती जाएगी। तो नारायण सिंह कुशवाहा को आपने सुना, ये सामाजिक न्याय मंत्री हैं जो ये कह रहे हैं कि पति शर्म की वजह से शराब छोड़ देगा। पत्नियां जो हैं वो अपने पति को अपने सामने शराब पीने के लिए कहे और ये बात इस कदर शर्मिंदा कर देगी पतियों को कि वो शराब पीना छोड़ देंगे। शैलेंद्र हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ इसी खबर पर। सामाजिक न्याय मंत्री की ये बेतुकी सलाह, शैलेंद्र? जी देखिए, बिल्कुल सामाजिक न्याय मंत्री जो आज नारायण सिंह कुशवाहा है नशा मुक्ति अभियान के कार्यक्रम में पहुंचे थे, वहां पे उन्होंने मंच से संबोधित करते हुए दो बातें बड़ी कही, अनूठी सलाह या इसको कह सकते हैं बेतु की सलाह दी। उन्होंने ये कह दिया आज जब मंच पे थे कि जब पत्नियां अपने पतियों को सामने ही घर पर शराब जब वो बाहर से पीते आए उससे रोके और उन्हें घर पर बोले कि आप तो यहीं बैठ कर पिया करो, और जब दो तीन चार दिन तक रोज ऐसा होगा तो यह स्थिति बनेगी कि जो शराबी पति है वो पत्नी बच्चों के सामने शर्मिंदा होने लगेगा और शराब छोड़ेगा। तो ये सलाह आज नारायण सिंह कुशवाहा ने यहाँ पर दी है। हमने उनसे बाद में भी पूछा कि आपने ऐसा बयान दिया, इस तरह की बात कही है कि शराब पीने को बढ़ावा देने की, कि घर में आकर घर में पीने दीजिए, तो उन्होंने फिर वहाँ जवाब दिया कि मेरा ये मानना है कि इस तरह का अगर घर में होगा तो खुद पति को शर्म आएगी और उससे शराब छूटेगी, कहीं ना कहीं ये सलाह दी। इसके अलावा नारायण सिंह कुशवाहा ने एक बात और कही, महिलाओं को ये भी सलाह दे डाली कि आप साथ में बेलन रखिए और अपने साथ बेलन रखिए, रात को अगर पति शराब पी के घर में आए तो उसे खाना मत दीजिए और उसे बेलन दिखाइए और उसे दबाव बनाइए तो वो डरेगा, तो हो सकता है कि वो शराब पीना छोड़ दे। तो आज इस तरह की दो सलाह यहाँ पर नारायण सिंह कुशवाहा ने दी। उसके बाद उन्होंने इस बात को कहा भी कि मैं चाहता हूँ कि शराब छोड़े लोग, इसलिए बेलन वाली भी सलाह दी, एक बेलन गैंग भी थी, उसी तरह अब घर में भी महिलाएं बेलन जरूर हाथ में रखें अगर पति शराब पीकर आए तो, और इस तरह की दो सलाह दी उन्होंने। सामाजिक न्याय मंत्री की ये दो सलाह कितना भला कर पाएंगी शैलेंद्र, ये तो अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन जानते होंगे मंत्री जी भी कि शराब की वजह से या नशे की बुरी आदत की वजह से घर में संबंध किस कदर बिगड़ते हैं, परिवारों में किस तरह कलह रहती है कि पूरा का पूरा खानदान में मिट जाता है कई बार इस नशे की आदत के चलते। हाँ जी देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं ये नशा मुक्ति अभियान का ही का आयोजन था और ये बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि नशे के कारण घर बर्बाद होते हैं, परिवार बर्बाद होते हैं, तो कहीं ना कहीं यही बात नारायण सिंह कुशवाहा ने बाद में भी कही कि मेरा आशय यही है, बार बार मैं कह रहा हूँ कि लोग अगर बाहर पीते हैं उस चीज़ से बचेंगे और एक सलाह उनको शर्म आएगी और घर परिवार टूटने से बचेंगे और शराब एक और बात लेकिन ये समस्या इतनी गंभीर है कि प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं है ना ये। भले ही उनका मकसद हो अच्छी सलाह देने का या मकसद हो नशा मुक्ति अभियान को और बल देने का, लेकिन वो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं था। और हल्के फुल्के माहौल में कभी ऐसी बातें होती हैं, लेकिन वो मंत्री हैं और गंभीर विषय है ये, थोड़ी सी गंभीरता और संवेदनशीलता यहां पर दिखाई जानी चाहिए थी। कांग्रेस के प्रवक्ता अभिनव बरोलिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिनव जी, जो ये नारायण सिंह कुशवाहा की सलाह आई है, मौका था नशा मुक्ति अभियान का, वो कह रहे थे महिलाओं को कि जब पति शराब पिए तो बेलन लेकर बैठिए, खाना मत बनाइए, और दूसरा कह रहे थे कि पति को बोले कि घर से बाहर मत पीजिए, घर में बैठकर शराब पीजिए, तो पति शर्मिंदा होकर शराब पीना ही छोड़ देगा। क्या आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है?
ऐसा लगता है कि इसको असंवेदनशीलता बोलते हैं, मतलब बिल्कुल से सरकार के जो मंत्री हैं शायद इसको मानसिक दिवालियापन भी कहते हैं, ऐसा बयान देना मतलब बहुत समझदार पद होता है मंत्री का। और हम लगातार इस बात को उठाते हैं कि काउंसलिंग सेंटर्स होने चाहिए। अगर ऐसा बयान देते कि हम हर जगह हर शहर हर गांव ब्लॉक वार्ड में काउंसलिंग सेंटर्स खोलेंगे और शराब छोड़ने के लिए जहां जहां कोशिश बेहतर कर सकते हैं वहां पे हम ऐसा कार्य करेंगे, ऐसा कुछ बयान देने की जगह ऊझ जरूर बातें करना, मतलब शराब लेकर घर जाएं, घर पे बैठेंगे तो बुरा लगेगा, ये फिल्मी दुनिया नहीं चल रही है, ये फिल्मी दुनिया के पात्र नहीं है लोग यहाँ पर। यहाँ जनता जो परेशान हो रही है शराब से, जो विसंगतियां फैली हुई हैं उन पर प्रकाश डालने के लिए बहुत बड़ी सोच के साथ सामने आना पड़ेगा। मैं लगातार इस बारे में पहले भी बोलता था, जब पत्थर मारते थे तोड़ते थे सरकार का नुकसान करते थे, उमा भारती जी करती थी, हम तब भी बोलते थे कि ये नौटंकियां करने से ऐसे बयान देने से अच्छा है कि हम कुछ ऐसा क्रिएटिव करें, हमारे पास संस्थाएं हैं जो ये सब काम करती हैं, वो जाके वहां लोगों से बात करें चर्चा करें, तो कंस्ट्रक्टिव सोल्यूशन नहीं है आप ये कह रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ वाणी आलूवालिया जी भी जुड़ गई हैं फोन लाइन पर, बीजेपी की प्रवक्ता है। वाणी जी, जो ये नारायण सिंह कुशवाहा जी ने, मंत्री जी ने जो सलाह दी है महिलाओं को नशा मुक्ति अभियान के कार्यक्रम में, किस तरह से देख रही हैं आप? सबसे पहले तो आपके श्रोताओं को नमस्कार और मेरे साथ में जुड़े हुए कांग्रेस प्रवक्ता को नमस्कार करती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो कुशवाहा जी का जो बोलने का मत है वो ये है कि हम घर में अच्छा वातावरण करें, समाज का निर्माण अच्छे से करें जिसमें कुरीतियों को हम कम करते जाएं। अब जो कांग्रेस प्रवक्ता मेरे को ये बता रहे हैं गैर जिम्मेदार, तो भैया इसके कांग्रेसी नेता उमंग सिंघार, जित्तू पटवारी, अन्य कितने हैं, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, जो तंचमाल रस खत्म हो गया है आइटम है, तो ये लोग भी जिम्मेदार है और हमेशा गैर जिम्मेदार बयान करते हुए ये दोगुनापन है क्या राज्य सिंह जी का? एक पक्ष रखते हैं दूसरा पक्ष में ये आलोचना करते हैं। तो ये देखिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला है, मैं शांति से सुनते गई हूँ, मुझे मेरे वक्तव्य देने का पूरा अधिकार है। और अगर आप इतना सुन लीजिए तो आपने अपने इतने प्रधान नेताओं को क्या बोला समझाया जब उन्होंने सार्वजनिक रूप से ऐसे टिप्पणियां की है? तीसरी चीज, हम सनातन धर्म के फॉलो करने वाले हैं तो हम चाहते हैं कि समाज में कुशलता हो, समाज में एक अच्छा वातावरण हो, कुनीतियां गायब हो और हम उसके लिए सुशासन और उसके अधीन जो नीतियां लागू कर सकते हैं उसमें करेंगे। ऑन अ लाइटर नोट ऐसे हम बोलते हैं ताकि महिलाएं जो है घर का नेतृत्व करती हैं, घर की होम मिनिस्टर होती हैं और इनके अंदर अगर चार्ज होगा तो निश्चित रूप से समाज का भी एक अच्छा नेतृत्व होगा। ठीक है, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। शैलेंद्र, आपका भी शुक्रिया इस पूरी जानकारी और बातचीत के लिए। बढ़ते आगे, बात करते हैं भिंड की, जहां पर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। भारी गाड़ियों के लिए चंबल पुल को खोला गया है। 8 जून 2023 से भारी गाड़ियों के लिए ये पुल बंद था, लोगों की समस्या को प्रमुखता से दिखाया गया और अब शर्तों के साथ भारी गाड़ियों के प्रवेश को अनुमति मिल गई है। भिंड इटावा के बीच NH 719 पर है ये पुल जो MP और UP की सीमा को जोड़ता है। ग्वालियर शहर में बदमाशों के हौसले बढ़े हुए हैं। यहां 6 बदमाशों ने मिलकर एक युवक की बेरहमी से पिटाई की। बदमाशों ने युवक पर लात घूंसों की बरसात कर दी। युवक को पीटते हुए बदमाशों ने इसका वीडियो भी बनाया। ये पूरी वारदात पड़ा थाना क्षेत्र के तानसेन नगर की है। बताया जा रहा है कि युवक को पीटने वाले बदमाश आदतन अपराधी हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, युवक को पीटते हुए इन बदमाशों ने वीडियो भी बनाया है। 6 बदमाश ये हैं जो युवक की बुरी तरह से पिटाई कर रहे हैं। आदतन अपराधी हैं ये बदमाश सभी लोग। और देखिए, इन्हें बिल्कुल भी ना कानून का खौफ है, ना पुलिस वालों का खौफ है, ना पकड़े जाने का खौफ है, क्योंकि ये खुद ही इन्हीं में से एक साथी ये वीडियो भी बना रहा है जिसमें ये साफ तौर पर इस लड़के को पीटते हुए देखे जा सकते हैं। अगली खबर भी ग्वालियर से है, जहां फूलबाग पर युवक की पिटाई की गई है। शराब के नशे में दोस्तों ने ही युवक को पीटा है। दोस्तों ने मिलकर एक दोस्त को पीटा।
पीटने के बाद बाइक पर बैठाकर ले भी गए। ग्वालियर के फूलबाग में जहां एक युवक को पीटे जाने का मामला सामने आया है, शराब के नशे में ये सभी दोस्त धुत थे, फिर दोस्तों ने मिलकर अपने दोस्त को पीटा और उसके बाद उसे पीटने के बाद बाइक पर बैठाकर ले गए। आप देख सकते हैं लड़का शराब के नशे में पूरी तरह धुत है, नीचे गिरा हुआ है और शायद उसकी ये हरकतें देखकर कि दोस्त उसे पीटना शुरू कर देते हैं और उसके बाद बैठाकर ले जाते हैं। इंदौर में 20 से ज्यादा लोगों ने सनातन धर्म अपनाया है। इन लोगों ने मुस्लिम धर्म को छोड़कर सनातन धर्म को अपनाया। खजराना गणेश मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन किया गया। इस दौरान हिंदू संगठन के लोग मौजूद रहे, साथ ही बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा। हिंदू धर्म को अपनाने वालों का नामकरण भी किया गया और इन्हें नया नाम दिया गया। देखिए, घर वापसी का कोई कार्यक्रम नहीं होता, घर वापसी एक होती है अंतरात्मा से। 25 से 30 जो है संख्या लगभग इतनी थी, इसमें कुछ देवास के हैं, इंदौर खजराना के हैं, मंदसौर के हैं और कई वर्षों से वो जो है मंदिर और भजन संध्या में जा आ रहे थे। उन्होंने विश्व हिंदू परिषद और हम लोगों से मिलकर आग्रह करा कि हम घर वापसी करना चाहते हैं, किस तरीके से क्या व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि उन्हें इस चीज़ का ज्ञान नहीं था। तो उनके तहत उनकी इच्छा और उनकी आस्था के प्रति हम लोग सब साथ में खड़े हुए और घर वापसी हुई। और खजराना मंदिर, चूँकि श्री गणेश जी जो है उन्होंने यहाँ आके गणेश जी के मंदिर पे माथा टेका और विधिवत रूप से अंतरात्मा से उन्होंने पुनः अपने घर में वापसी करते हुए हिंदू धर्म को अपनाया। मिथिलेश गुप्ता इंदौर से हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। मिथिलेश, 20 लोगों ने यहाँ पर सनातन धर्म में वापसी की है। मिथिलेश को सुन नहीं पा रहे हम जी, तो मिथिलेश वापस संपर्क आपसे जोड़ेंगे हम। यहां पर देखिए 20 से ज्यादा लोग बताए जा रहे हैं जिन्होंने घर वापसी की है, मुस्लिम धर्म को छोड़कर सनातन धर्म को अपनाया है। एमपी में ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर बड़ा आरोप लगाते हुए सीएम को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने सरकारी दफ्तरों में ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा चलने की बात कही है। इसके साथ ही इन्होंने आरोप लगाया कि ट्रांसफर पोस्टिंग करने वालों के मंत्रियों से संबंध है। वही हेमंत कटारे के आरोप पर बीजेपी प्रदेश कार्य समिति सदस्य मनोज पाल सिंह यादव ने पलटवार करते हुए आरोपों को तथ्यहीन बताया। इसके साथ ही उन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में सबूत लाने की चुनौती भी दी है। कटारे ने मनोज पाल सिंह यादव पर ट्रांसफर पोस्टिंग के धंधे का आरोप लगाया था। भर्ती परीक्षा पेपर लीक के खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार सख्त कानून लाने जा रही है, जिसमें पेपर लीक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और 10 साल जेल का प्रावधान होगा। परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ियां गैर जमानती होंगी और आरोपी की प्रॉपर्टी जब्त की जाएगी। सरकार ने नए कानून के परीक्षण के लिए विधि कानून को ड्राफ्ट भेजा है। प्रदेश सरकार इसी मानसून सत्र में इस कानून को लाने की तैयारी में है। उससे पहले अध्यादेश के जरिए कानून लागू करने की तैयारी है। इसका एक्ट प्रारूप बनाने का जिम्मा शिक्षा विभाग को सौंपा गया है। पेपर लीक मामले में सरकार कानून बनाएगी, इसे लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने प्रतिक्रिया दी। उनका कहना था कि योजना और कानून वल्लभ भवन में बैठे लोग बनाते हैं। तंस कसते हुए कहा कि नर्सिंग कॉलेज के नियम भी इन लोगों ने ही बनाए हैं। साथ ही सवाल किया, क्या मंत्रियों पर कार्रवाई हुई? उमंग सिंघार ने नसीहत देते हुए कहा कि जहां से गंगा बहती है पानी वहीं से साफ करना होगा। लीक तो बात की चीज है कि ठीक है, उस पर 1 करोड़ का जुर्माना, 10 साल, इस पर स्वागत करते, लेकिन योजनाओं को नियम बनाने वाले कौन, कानून बनाने वाले कौन? जो वल्लभ भवन में बैठे जो मंत्री है, जिसमें आपने भी नर्सिंग कॉलेज के नियम बनाए,
क्या इन पे एक करोड़ का जुर्माना होगा? क्या इनको 10 साल की विश्वास सारंग पे सजा होगी? सरकार भविष्य की बातें नहीं कह रहे, जो घोटाले है जिनके कारण अवैध कॉलेज खुले जा रहे हैं, अनसुटेबल कॉलेज, वो फिर आप उन्हीं से पैसे लेके आप धंधा कर रहे हो, इतने सालों से कॉलेज चला रहे हो, तो इन पे क्या कानून ला रही है सरकार? क्या मंत्री को बर्खास्त करेगी? क्या मंत्री पे 1 करोड़ का जुर्माना करेगी? क्या मंत्री को 10 साल के लिए जेल भेजेगी? कानून बनाना एक बकवास है। मैं तो ये कहता हूँ कि जो जहाँ से गंगा बहती है सबसे पहले वहां पर आपको वहां का पानी साफ करना पड़ेगा। आरटीओ बैरियर पर अवैध वसूली का विवाद बढ़ता जा रहा है। ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने अवैध वसूली के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों को ऑनलाइन चेक पोस्ट नियम लागू करने के सख्त निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आरटीओ बैरियर पर गुजरात मॉडल की तर्ज पर ऑनलाइन चेक पोस्ट नियम लागू करें। अवैध वसूली की वजह से मध्य प्रदेश का नाम बदनाम हो रहा है। गुजरात में साल 2019 से 17 चेक पोस्ट समाप्त किए गए। चेक पोस्ट के स्थान पर 58 चेक पॉइंट बनाए गए, जहां अधिकारी 8-8 घंटे ड्यूटी करते हैं। हर चेक पॉइंट पर एक अधिकारी के साथ गार्ड और वाहन चालक रहते हैं। शहडोल में संदिग्ध हालत में एक महिला का शव मिला है। महिला का शव अर्धनग्न हालत में सड़क के किनारे लावारिस हालत में मिला। मामला बुढ़ा थाना क्षेत्र के बलबरहा गांव का है। महिला की पहचान फुलिया बाई के रूप में हुई। महिला के शरीर पर चोट के निशान है, जिससे उसकी हत्या की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि महिला खेत के किनारे एक शून्य मकान में अकेले रहती थी। केशवाही चौक पुलिस मामले की जांच कर रही है। श्योपुर जिले के विठलपुर और मांकना खेड़ी गांव के 14 किसानों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। एफआईआर में 7 महिलाओं के नाम भी शामिल हैं। सभी पर सरकारी काम में बाधा डालने और पटवारी के साथ गाली गलौज और जान से मारने की धमकी का मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि पिछले बुधवार को पुलिस प्रशासन की टीम सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाने गई थी, जिसका गांव वालों ने विरोध शुरू कर दिया, जिसकी वजह से प्रशासनिक अमले को बैरंग लौटना पड़ा। गांव वालों का आरोप है कि लंबे समय से वो लोग इस जमीन पर खेती करते आ रहे हैं, अब प्रशासन से खाली करवा रहा है। उज्जैन में गुरुवार शाम को जमकर बारिश हुई। करीब 1.5 घंटे तक हुई मूसलाधार बारिश ने पूरे शहर को भिगो दिया। झमाझम बारिश की वजह से शहर में जलजमाव भी देखने को मिला। सबसे ज्यादा जलजमाव एटलस चौराहा और केडी पर देखने को मिला। बारिश का पानी चामुंडा माता मंदिर में भी घुस गया, जिसकी वजह से पंडों और पुजारियों को मुसीबत का सामना करना पड़ा। हालांकि झमाझम बारिश के बाद शहर का मौसम सुहाना हो गया। वहीं तापमान में गिरावट की वजह से लोगों को भीषण गर्मी और उमस से बड़ी राहत मिली।